हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ पीडीएफ। तो इसमें आपको वीडियो के बीच में पीडीएफ मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आपको लिख के बताई है। तो ये है, ये एनएचएम की आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन नेम है, वहाँ से पोस्ट निकली हुई थी, स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट निकली है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। तो 2540 वैकेंसीज है, जिसमें स्टाफ नर्स जो है मेल फीमेल 2240 और आयुर्वेदा के लिए 300 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सैलरी कितनी रहेगी। तो 19,101 रुपये से लेकर 20,500 रुपये के बीच में आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। प्लस आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है इसमें सैलरी का लेवल बढ़ता जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी 12th होनी चाहिए। जी ना, मैं BSc नर्सिंग कर रखा है तो भी हो जाएगा। और इसमें एज लिमिट कितनी रहेगी। तो एज लिमिट जो है 21 से 40 साल के बीच में आपकी अगर एज है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 125 रुपये, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपये, PWD कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो पहले आपका टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। ये रहा हमारा PDF। तो यहाँ पे क्या है, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज दिनांक 28 जुलाई 2023। इसमें क्या है, सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 सहायक नगर नियोजक पदों की अनुमति संख्या 24 माह अगस्त के तृतीय सप्ताह से। यानी कि जो इसकी जो लिंक है वेबसाइट पर PDF आ चुका है, बट जो इसका ऑफिशियल लिंक है वो आउट हो जाएगा अगस्त की सेकंड वीक में। यानी कि आज हमारा है वेडनेसडे, तो मंडे या फिर संडे से आपकी जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी इन सभी पोस्ट के लिए। तो आप अप्लाई कर पाएंगे, UP के अंदर आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। फिर क्या है, हमारी पुरुष महिला स्टाफ नर्स, इसमें क्या है 2240 वैकेंसी था जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। फिर है आयुर्वेदा में, तो इसमें 3 है। फिर है हमारी, आपको ये PDF क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया है, फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, ये PDF जो है ना थोड़ा सा ब्लर डाउनलोड हुआ था, तो इस वजह से जैसा ये डाउनलोड हुआ है वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अलग से PDF चाहिए इस वाले पेज का तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पे लिंक जो है उसको पिन कर दूँगी तो आप इजीली वहाँ से देख पाएंगे। फिर है हमारा भूतपूर्व एम खनी पर, तो इसमें क्या है सहायक रसायन, इसमें क्या है टोटल आपकी जो वैकेंसीज़ है वो वैकेंसीज़ आपकी 2 रहने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो पोस्ट है, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग, इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर चाहिए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, जिसके लिए 54 वैकेंसीज़ हैं और ये भी सेकंड वीक से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग आयुष में, तो इसमें क्या है होम्योपैथी के प्रोफेसर चाहिए, इसमें चिकित्सा अधिकारी, इसमें प्रोफेसर्स वो भी विशेषज्ञ, तो इसमें क्या है 27 वैकेंसीज़ है। फिर है प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश उप निदेशक के लिए 1 वैकेंसी था। घुमा फिरा के हमें इतना पता लगता है कि हमारी जो मेन पोस्ट है जो कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हो सकती है वो है GNM या फिर GNM ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ के साथ बेल आइकन में प्रेस करना, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू। और कोई भी क्वारी हो इस वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं, विद इन 3 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।